स्वयं यात्रा के तहत आज पुष्कर विधानसभा के पुष्कर ब्लॉक में सभी ग्रामीण क्षेत्र के और नगर के हमारे साथी इस यात्रा में शामिल हुए। आप देख रहे हैं कितना जोश है कार्यकर्ताओं में जश्न आज़ादी के लिए, इस देश के तिरंगे झंडे की आन बान और शान को ऊंचा रखने के लिए सभी कार्यकर्ता अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर बरसात में चल रहे हैं, पानी में चल रहे हैं। और ये यात्रा में आगे बढ़ते हुए कल रूपनगढ़ में इसका समापन होगा, रूपनगढ़ ब्लॉक में समापन होगा। सभी पुष्कर विधानसभा के क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वो कल 1 बजे जो 10 बजे रूपनगढ़ में कार्यक्रम है, 1 बजे समापन है, उसमें जरूर पधारें। आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसके तहत ही हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आज़ादी गौरव यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। आज़ादी गौरव यात्रा पूरे जिला मुख्यालयों पर निकाली जा रही है 75 किलोमीटर। उसके तत्वाधान में हमारे पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की आज पुष्कर ब्लॉक की हमने रैली निकाली, कल रूपनगढ़ ब्लॉक की निकालेंगे और पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। हम उन शहीदों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उन आज़ादी के दीवानों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपना बलिदान देकर देश को आज़ादी दिलाई। हम उनको सच सच प्रणाम और नमन करते हैं कि आज उनकी वजह से हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं और हम ये संकल्प लेते हैं हम सब लोग कि इस आज़ादी को हम कायम रखेंगे ताकि सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा, एकता और हमारी सीमाएं, हमारे किसान सुरक्षित रहे, हमारा मजदूर सुरक्षित रहे, हमारी 36 गांव सुरक्षित रहे, यही संकल्प लेना चाहिए।